Run this. What's up, guys? Okay, so energy. Yes, lots of energy in the room. ऊपर आने की जरूरत ही नहीं क्यों? तो गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते हो, क्योंकि ज्यादातर अगर मैं बोल सकूं तो मेरा फैन बेस लॉन्डो में, राइट? तो नॉट मेनी गर्ल्स इंग्लिश में आ रहा हूं, देखिए, राइट? लड़कियां मुझे ज्यादा जानती नहीं है, विच इज अ गुड थिंग. मेरी वाइफ बहुत खुश होती है मुझे लड़कियां नहीं जानती. लड़के मेरे पास आते हैं, बहुत खुश होती है. अरे, गुड 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 फॉर यू, राइट? सो आई रन यूट्यूब चैनल. कितने लोगों ने मेरा चैनल देखा हुआ हाथ ऊपर? यार इतने तो, ओह शिट मैन, दिस इज ओवरवेलमिंग, है भाई? तो भाई अच्छा, लेट्स इससे बात करते हैं कि सबका फेवरेट वीडियो कौन सा है. ऑनेस्टली बताना, एक किसने मेरा कौन सा वीडियो देखा जिसको सबसे ज्यादा पसंद आया? कौन सा? अरे अच्छा, हाँ, तो मैंने फिटनेस मॉडल का बैग खुलवाया था, उसके अंदर से क्या क्या निकला था. अच्छा, और अच्छा कौन सा? जो ट्रेनर सस्ते सप्लीमेंट बड़े में चिपका देते हैं. अच्छा, वो तो मतलब तू सारी सच्चाई बता रहा है यहाँ पे खोल रहा है ना. तो गाइस, दैट्स व्हाट आई डू यार. तो मैं क्या करता हूँ, अपने चैनल के थ्रू सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ. सच्चाई ये कि कई चीज़ें ऐसी होती जो हमें पता होती हैं, कई नहीं पता होती हैं. कई लोग आपको कोई बातें बताते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन पीछे क्या करते हैं हमें नहीं पता, राइट? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ ऐसा. मतलब मैं भी, आई वॉज अ वेरी फैट किड, बहुत ही मोटा था. मेरे पास ये आया था लड़का, कह रहा था आप शुरू से बॉडी बिल्डिंग करते हो. मैंने कहा भाई 12 साल का, इधर इधर. तो मुझे इसको मिलके बड़ी खुशी हुई. ये मेरा बचपन है. नाम तो बताओ ना. अंश. अंश मेरा, अंश है पूरा नाम. नहीं, वो वाला अंश मेरा. तो मैं ऐसा लगता था, लेकिन इसे 10 किलो थोड़ा मोटा था. तो सारे, तो मैं किसी के पास भी जाता था, मैं बोलता था मुझे पतला कैसे होगा कैसे होगा. तो हर ट्रेनर अपनी गोली चिपका देता था मुझे. यार अच्छा, आपको ये बनना चाहिए. अच्छा, आपको ये गेनर, मोटे को गेनर. आपको ये गेनर लेना चाहिए. मैंने कहा क्यों गेनर? क्यों? क्योंकि गेनर में मेरा कट है. तो यार, ये चीज़ें होती रहती हैं. तो रीज़न व्हाई आई एम हियर, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ गाइस, बिकॉज मैं आपसे मिलना चाहता था. मेरे पास इतने मेल्स आ रहे थे कि सर आप अहमदाबाद कब आओगे, अहमदाबाद कब आओगे. तो गाइस, आई एम हियर. कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपसे पूछना हो, I'm right here. लेकिन अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. आई वॉज नेवर अ फिटनेस गाय. मैं हमेशा से फिटनेस नहीं करता था. मैं एक बैंक, किसको मेरा लास्ट प्रोफेशन पता है? किसको पता है? आई आई आई. अबे हिंदी बोल ले, इंग्लिश बोल ले. मुझे पता है. हाँ, यू आर अ बैंक इन्वेस्टर. बैंक इन्वेस्टर भाई, इसे नहीं ज्यादा हो गया ये. उल्टा बोल दिया. इज योर पेरेंट्स फॉर 8 इयर्स. अच्छा, तो वाइफ फॉर 2 इयर्स. फॉर योर वाइफ. इस तरह पुराना वीडियो. करेक्ट. तो मुझे 10 साल लगे फिटनेस में घुसते घुसते. 8 साल मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया कि मुझे फिटनेस में जाना है, और 2 साल मैंने अपनी वाइफ को मनाया कि मुझे फिटनेस में जाना है. तो 10 साल बाद आई केम हियर. सो दैट्स व्हाट आई एम हियर, आपको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए. कितने लोग यहाँ पे ऐसे जो फिटनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अरे यार, जबरदस्त.
और कितने लोग इसमें से ऐसे हैं जो फिटनेस में है और उनका करियर है? देख रहे हो फर्क? अगर 50 लोग फिटनेस को करियर बनाना चाहते हो, उसमें से सिर्फ 5 से 6 लोग उसको अपना करियर बनाए, क्या रोक किस चीज के बारे में? वेट किस चीज की है? किस चीज की वेट है? क्यों नहीं कर रहे? व्हाई? कि पैसा नहीं है? हाँ, अच्छा, तो क्या इसका क्वेश्चन ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बॉडी बिल्डिंग करूं, मेंस फिजिक करूं, क्लासिक फिजिक करूं? अच्छा, ये और किसी को और कोई क्यों फिटनेस में क्यों नहीं जा रहा? हाँ, अभी आपकी इनकम जो है वो स्टेबल है या फिर वेरिएबल रहती है? भाई, तो मेरी इनकम पूछ रहे इस प्लेटफॉर्म कमाल कैसे से बोलो भाई? तुझे पता ना, आदमी से उसकी सैलरी नहीं पूछते और औरत से उसकी क्या नहीं पूछते? तूने उल्टा घुमा के वही पूछा सवाल, गीली चप्पल करके मारी है तूने। है भाई, सवाल वही है कि आपकी इनकम कितनी है? अगर आप इनकम है आपकी तो कितनी, ताकि अगर आपकी इनकम अच्छी तो मैं भी करूंगा फिटनेस में, ऐसे ही पूछे सवाल? अच्छा, एक बात बताता हूँ तुम्हें मैं, अगर तुम पैशनेट हो ना, क्या नाम क्या तुम्हारा? यश। तो यश, अगर तुम किसी भी चीज को लेकर पैशनेट हो ना, इनकम अपने आप बन जाएगी। और पैशन ऐसा है वो अपने आप स्टेबिलिटी देता है। अगर इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू डू ना, फिर तो बोरिंग ही है ना यार। तो मैंने वो छोड़ के फिटनेस में काम करना स्टार्ट करा यार, बिकॉज आई लव दिस। अगर आपको फिटनेस में करियर बनाना है, फिर पैशन है, इनकम के बारे में मत सोचना यार। ऑल इफ यू सी ऑल दीज एथलीट्स, दे आर पैशनेट अबाउट इट, तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करेंगे यार ये? और अच्छी बॉडी होना ना होना इज डिफरेंट। अगर आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए, लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि हाउ डू आई स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल। कितने लोग अपना यूट्यूब फिटनेस यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं यहाँ पे? अच्छा है, कमी है, कंपटीशन कम रहेगा भाई। तो हाँ, तो यार अगर आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए, शेयर इट, राइट? और आप फेसबुक पे, आपका सबका अकाउंट है ना फेसबुक पे, सबसे पहले फेसबुक पे क्या चीज नजर आती है आपको? कौन सा बटन? शेयर, राइट? इफ यू नो समथिंग, शेयर ना अपने पास, अपने वो टाइम चला गया जब आपको कोई जानते थे नॉलेज, तभी मुझे प्रॉब्लम है कई लोगों से कि अगर उनको किसी चीज का पता है वो नहीं बताते। दैट्स व्हाट आई डू, यू नो, इंफॉर्मेशन तो ऐसी चीज है, जितना लोगों के साथ शेयर करोगे उतना यू विल ग्रो, राइट और नॉट? अग्री डोंट अग्री? तो अब मुझे बताओ क्वेश्चन किसके क्या क्या, फटाफट इससे पहले कि बिकॉज़ वो सारे लड़के तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन है भाई? अच्छा, यहाँ पे सही हो सवाल, देख रहे इनकम, इनकम से रिलेटेड ना, इनकम और वाइफ से रिलेटेड कोई सवाल ना। लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं जिम खोलूं, बचपन से है जब से स्टार्ट करी बॉडी बिल्डिंग। लेकिन चैलेंज ये है कि आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, तो वहाँ मुझे लगता है कि पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और उस तरह के टारगेट कस्टमर्स या जो इंटरेस्टेड हैं लोग मिलेंगे, लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो इसका सब विवेक ना, विवेक विद विवेक मूव। तो विवेक यार, ये कोई सवाल नहीं है, इसका जवाब भी तुम खुद ही जानते हो। इसका जवाब दूं? तुम्हें पता है इसका जवाब? अगर कोई अपना जिम, कितने लोग यहाँ पे अपना जिम खोलना चाहते हैं? भाई ऑलरेडी बहुत जिम है यार। नेवर थिंक कि अगर मेरा जिम खोलूंगा तो वो जिम चलेगा, नहीं चलेगा। थिंक कि आप उस जिम में क्या वैल्यू ऐड करोगे। आपका जिम अलग, कोई विवेक के पास क्यों आएगा ट्रेनिंग के लिए? क्यों आएगा बता, मुझे बता, व्हाई वुड आई कम एंड ट्रेन विद यू? जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैं अभी कस्टमर हैंडलिंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि हर बंदा इंडिविजुअल अलग है। आप एक एडवाइस किसी को नहीं दे सकते। जवाब दे दिया, यू नो द आंसर, ऑलवेज थिंक ऑफ एडिंग वैल्यू। 100 जिम है यार, 100 जिम में से अब तुमने बोला कि मैं हर एक के लिए कस्टमाइज प्लान बनाऊंगा, लेकिन इसी जबान पर है ना, ठीक है ना? वो होता क्या, जिम खोलने के बाद सबको एक ही प्लान चिपकाया जाता है, चिपकाया जाता नहीं जाता था, बैक बाइसेप, चेस्ट ट्राइसेप, हमारे जिम में ऐसा नहीं होता, नहीं नहीं सारे जिम में नहीं, मोस्टली जिम में ऐसा ही होता। तो इसका मैं ये कहूँ, तो वैल्यू एड ये कि आप अपने कस्टमर्स के साथ कस्टमाइज प्लान बनाएंगे, राइट? आप किस चीज की घबराहट है? ऐसे की एक बात बताता हूँ लाइफ में, इससे पहले की कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो,
लाइफ में ना कोई भी काम करना हो ना, अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको जिम खोलना है, कुछ करना है, लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे से कभी किसी का काम नहीं रुका आज तक, ट्रस्ट मी। अगर इफ यू हैव अ विजन ना, पैसा अपने आप आ जाएगा, जरिया अपने आप बन जाएगा। यार यार वो थोड़ा क्लीशे हो जाता है, ओम शांति ओम वाला, वो कायनात वाला मुझे आता डायलॉग मुझे अभी याद नहीं, बट दैट्स ट्रू। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू एंजॉय फिट फैक्टर, एंड मिलता रहूंगा, हर साल आने की कोशिश करूंगा। सो दैट हाँ पक्का अब मैं रिप्लाई करूंगा, कोई ज्यादा मैसेज आते हैं बट आई डेफिनेटली स्टार्ट रिप्लाई। सो थैंक यू गाइस, एंजॉय फिट फैक्टर, राइट है कोई भी क्वेश्चन हो, सो आई गुड टू सी यू ऑल।